इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। अगर ऐसा मान लिया जाए कि अपने पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है E, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो है N। तो इससे होकर के जो करंट फ्लो करेगा, करंट की वैल्यू हम लोग लिखते हैं एन ई ए इंटू वी डी, जो कि हमने पिछले क्लास में इसको ड्राइव किया था, ठीक। तो ये हो गया एन ई ए वी डी। यहां पर वी डी की जो वैल्यू है वो अभी हमने कैलकुलेट किया था, यह है ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टॉ, है ना, ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एन ई स्क्वायर इंटू ए या एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए डिवाइडेड बाई एम ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। हमें पता है कि ये जो बैटरी है, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर वी हो, या ये कह सकते हैं जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी हो यहां से यहां तक, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं वी डिवाइडेड बाई एल। तो इसको लिखेंगे एन ई स्क्वायर टाउ, ये एम ई है, एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इंटू एरिया, इसको लिखेंगे वी डिवाइडेड बाई एल, है ना। तो ये होगा एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम ई इंटू एल इंटू ए इंटू वी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें ये वाला जो टर्म है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस यहां हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे यहां पर करंट इंक्रीज करता है, यानी कि जो आई है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो ये वाला जो टर्म है ये हो जाता है कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये है वन बाई आर, जहां पर आर जो है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, वेयर आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू अगर निकालना होगा तो इसका जस्ट उल्टा आएगा, ये आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉप इंटू ए, है ना। तो यहां पर ये जो टर्म है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसको कहा जाता है, ये वाला जो टर्म है, और लेंथ और एरिया ये क्या है, ज्योमेट्री है कंडक्टर की, तो इसको कहते हैं रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जबकि रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक ही मटेरियल के अलग अलग कंडक्टर होंगे, अलग लेंथ अलग एरिया वाले, तो उनका रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। तो आर जो है ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये रो हो गया रेजिस्टिविटी, जहां पर रो की जो वैल्यू है अगर इसमें से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है कंडक्टिविटी, ये होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं वन बाई रो, और ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये कंडक्टिविटी, और ये भी है किसकी प्रॉपर्टी, ये है मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं लिख सकता हूं आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि वन बाई आर जो है ये कॉन्स्टेंट है, यहां पर वी है। तो ये जो लॉ है इसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ, ये कहलाता है ओम्स लॉ। अगर ग्राफ प्लॉट करें करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस,
तो ग्राफ जो है ये ऐसा आता है किसी कंडक्टर के केस में, है ना। इसका जो स्लोप आएगा, ये स्लोप जो है ये बताता है 1/r, यानी रेजिस्टेंस का इनवर्स का जो वैल्यू आएगा वो स्लोप से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमने तीन क्वांटिटी के बारे में सीखा, एक तो आया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये रो एल बाई ए, फिर एक टर्म आया था रेजिस्टिविटी, और तीसरा टर्म आया है कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टेंस है इसको कंडक्टिविटी के टर्म में भी लिखा जा सकता है, एल बाई सिग्मा इंटू ए, ठीक है। ये हो गया।